गुलाब को फूलों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। रंग और सौंदर्य के साथ खुशबू का मेल उसे और भी बेजोड़ बना देता है। देश विदेश में इसकी लगभग 150 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही गुलाब का एक लंबा और रंगीन इतिहास भी है, जो कहीं न कहीं प्यार, सुंदरता, युद्ध और राजनीति के प्रतीक को दर्शाता है। इसकी पहुंच और मांग अमीर गरीब से लेकर हर जाति धर्म के लोगों के बीच रही है। हर तरह की पूजा पद्धति में, आयोजनों और सजावट में इसकी खूब डिमांड होती है। आप गुलाब की खेती कर इस मांग को पूरी कर सकते हैं और एक बेहतर आजीविका अपना सकते हैं। लेकिन इसके लिए इसकी खेती के आधुनिक तकनीकी पहलू को समझना होगा। गुलाब का पौध एक बार आप रोपित कर दें तो कम से कम 7 से 8 साल तक आपको लगातार उससे उत्पादन प्राप्त होते रहते हैं, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प है व्यावसायिक खेती के रूप में। गुलाब की रोपाई देश के तराई भागों में अगस्त से लेकर मार्च तक की जाती है, लेकिन इसकी खेती के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना सबसे मुफीद होता है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में हो और मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 के बीच हो, उपयुक्त रहता है। रोपण करते समय ध्यान रखें कि आपका जो स्थान का चयन हो वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें वर्षा का जल जो है उसमें कभी इकट्ठा ना हो। और दूसरी बात, गुलाब के लिए तापमान जो है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का आवश्यक होता है और धूप की बहुत अच्छी आवश्यकता होती है। ऐसी जगह पर गुलाब का रोपण करें जहाँ की उसको हमेशा धूप मिलती रहे। गुलाब के पौधे कलम, इंचार्जिंग और लेयरिंग विधि से तैयार किए जा सकते हैं। देश में गुलाब की लगभग कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनको रंग और आकार के हिसाब से बांटा गया है। ऐसी स्थिति में आप मार्केट के रुख को देखते हुए किस्मों का चुनाव कर सकते हैं जिसकी डिमांड आपके इलाके में ज्यादा हो। गुलाब में कम से कम हजारों प्रजातियां हैं, तो HT जो प्रजाति है, हाइब्रिड टी रोज प्रजाति के जो विभिन्न किस्म के वो प्रजातियां हैं, उसमें हम इनका चुनाव करते हैं, जिनको कि हम स्टिक के रूप में या हम बुके के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। पौधे के पहले साल 10 किलो गोबर की खाद, 500 ग्राम नीम की खली, सिंगल सुपर फॉस्फेट 40 से 50 ग्राम, यूरिया 20 से 30 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश की 40 ग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। एक गुलाब के पौधे के हिसाब से मैं आपको उसकी दवा और खाद बता देता हूँ। खाद के रूप में आप कम से कम 10 किलो सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, 500 ग्राम नीम की खली का इस्तेमाल करें, सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो 40 से 50 ग्राम, यूरिया 20 से 25 ग्राम के आसपास इस्तेमाल करें और म्यूरेट ऑफ पोटास 40 ग्राम का इस्तेमाल आप करें, जिससे हम उसकी रोपाई कर सकते हैं। गुलाब की खेती के समय दूरी का भी खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि जगह कम होने पर पौधों का विकास सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण फूलों का उत्पादन भी कम मिलता है। गुलाब को दो विधियों से लगाया जा सकता है। पहला, सिंगल रो सिस्टम में पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। लेकिन जब हम गुलाब की खेती डबल रो सिस्टम में करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी पहले क्यारी में 25 से 30 सेंटीमीटर और दूसरी क्यारी में 60 से 70 सेंटीमीटर रखनी होती है। यदि हम लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 45 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी जो है हम रखते हैं और 45 से 50 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन की हम दूरी रखते हैं। अगर हम उसे दो रो में लगा के और एक बड़ी क्यारी के बीच में जगह छोड़ते हैं तो दो पौधे हम नज़दीक नज़दीक लगाते हैं वो 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी में, और फिर इसके बाद जो दूसरी क्यारी के बीच की दूरी होगी वो 70 से 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। पहले सिंचाई पौध लगाने के तुरंत बाद करना जरूरी होता है, उसके बाद मौसम के अनुसार पौधों की सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी में प्रति सप्ताह एक बार और जाड़े में 15 दिन में एक बार सिंचाई करना ठीक रहता है। कटाई छटाई करने के समय पौधों को आराम देने के लिए सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।
पौधों की कटाई छटाई के बाद नवंबर से जनवरी तक 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा जब पौधा बढ़वार की अवस्था में हो तो आप इसमें पोषक तत्वों को पड़ीय छिड़काव के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे कि पौधों का विकास बेहतर हो सके। गुलाब में देखेंगे कि पौधों पर फोलियर स्प्रे का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो यदि आप अगर फोलियर स्प्रे करें तो मैं दवा का आपको विवरण बता, खाद का विवरण बता दे रहा हूँ रासायनिक रूप से, कि 2% आप यूरिया ले लें, 1% जो है म्यूरेट ऑफ पोटास और 1% आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लें, और साथ ही पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम सल्फेट भी अगर आपके पास हो तो वो सब आप लेके इसका एक मिश्रण तैयार कर लें और उसके मिश्रण को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, सब समूचा जो मिश्रण आपका है वो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसके इस्तेमाल करके अगर आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी बहुत अच्छी वृद्धि होती है। गुलाब की उपज भूमि की उर्वरा शक्ति, फसल की देखरेख और प्रजातियों पर निर्भर करती है, फिर भी आमतौर पर हर साल 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार मिल जाती है, जो बाजार में 70 से 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है, जिससे किसान एक साल में 2 से 3 लाख रुपए तक की शुद्ध बचत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।